हाय फ्रेंड्स, ग्रीटिंग फ्रॉम मुमताज किचन। इतने दिनों तक आम की रेसिपी शेयर करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पाइसी चटनी की रेसिपी। जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उन्हें यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यह चटनी किसी भी खाने के साथ परोस दे वह खाने की रंगत बढ़ा देगी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 मोटी वाली मिर्चियाँ। आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो कम तीखी मिर्चियों का इस्तेमाल करें। इन मिर्चियों को हमें सीधे गैस पर भूनना है। आप यदि इससे कतराते होंगे तो आप चाहें तो तवे पर 1-2 बूंद तेल डालकर फिर इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। डायरेक्ट भूनने से एक स्मोकी फ्लेवर आता है जो बहुत अच्छा लगता है। जब मिर्चियों पर इस तरह के काले काले दाग पड़ जाएं तो इसका मतलब है मिर्ची अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। अब गैस बंद कर दीजिए, मिर्चियों को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। आप यदि पसंद नहीं करते हो तो यह काला छिलका अलग कर दीजिए। मैंने यहाँ पर छिलका अलग नहीं किया है। अब इन मिर्चियों के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए ताकि इन्हें कूटना आसान हो जाए। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे दरदरा पीस सकते हैं, परंतु कुटी हुई मिर्ची का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। उसमें साथ में डालें 1/2 चम्मच नमक। अब इसे हल्के हल्के हाथों से दरदरा कूट लें। जब मिर्ची अच्छी तरह से दरदरी कूट लें तो इसे निकालें एक बोल में। बोल में निकालने के पश्चात अब हमें इस पर तड़का लगाना है। इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करें। तेल यदि आप तिल्ली का यानी सेसमी ऑयल यूज़ करेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें डालें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हिंग और साथ में कुछ कड़ी पत्ते। इस तड़के को हमने कूट कर रखी हुई मिर्ची पर डाल दीजिए। इसके पश्चात इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद अब इसमें डालना है 3 से 4 बड़े चम्मच एकदम गाढ़ा वाला ताज़ा दही। घर का बना हुआ एकदम फ्रेश वाला दही डालेंगे तो इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर डालें 1 चुटकी नमक। नमक हम मिर्ची के साथ पहले ही कूटते समय डाल चुके हैं, इसलिए नमक की मात्रा सिर्फ दही पूरते ही डालें। इस सब को अच्छी तरह से फेंट लें। फिर इसमें डालें कटा हुआ हरा धनिया। इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिला लें। अब यह तैयार है चटनी सर्विंग के लिए। आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ, चाहें तो रोटी सब्जी के साथ या फिर भाकरी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है यह चटनी। यदि आप तीखा खाना पसंद करने वाले हैं तो इस चटनी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।